तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। क्या है ईमान वालों, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज किए जिस तरह मैंने पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज किए थे। मैंने रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए ताकि तुम्हें परहेज़गारी मिल जाए। तुम माहे रमज़ान में मेरी इबादत करो, मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, मेरी नमाज पढ़ो, तिलावत कुरान पाक करो। जब मेरा जिक्र करोगे, मुझे याद करोगे, तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दूंगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला का उस बंदे को कुर्ब नसीब हो जाएगा जो बंदा माहे रमज़ान में रोज़े रखेगा, नमाज पढ़ेगा। इसकी फजीलत क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देता है। बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जो बंदा माहे रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। यानी माह रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना, बस यही नहीं बल्कि आगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जिक्र करता है उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से जो भी चीज़ मांगेगा, जो भी दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुआ को कबूल फरमा देगा। पीर मेरा आए है दमड़ी वाला अते पीर शाह कलंदर अथे उथे मदद करें दा अते दोई जहानी अंदर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत माह में हम मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रहे हैं। विनस टीवी की जो टीम है उसकी कोशिश ये है कि रमज़ानुल मुबारक की जो रौनकें हैं वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाएं। और रमज़ानुल मुबारक में आज हम मौजूद हैं अस्परो पीरगो के एक नवाही एरिया में, जहाँ पर हर माह को 11वीं शरीफ का ख़त्म शरीफ होता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अलमदार हुसैन शाह साहब, जो यहाँ पर मजदूरी के साथ साथ अपने मुरीदैन को, क्योंकि इनकी जो गद्दी है वो पाकिस्तान जहलम में भी है, उसके हवाले से भी हम इनसे पूछेंगे। और यहाँ मुरीदैन की और इनके चाहने वालों की, दोस्तों की एक बहुत बड़ी तादाद आज यहाँ पर मौजूद है। 11वीं शरीफ की महफिल हुई, वो भी हमने आपको दिखाई, जिक्र अज़कार की बात हुई, सूफियाना और अरफाना कलाम अदा किए गए, वो भी हमने आप तक पहुँचाए। अभी हम सैयद अलमदार हुसैन शाह साहब से पूछेंगे कि ये सिलसिला कब से जारी है और क्या कुछ होता है लगातार यहाँ पर, और इनके मुरीदैन हैं जो वो किस तरह के अमराज से इस्तफादा हासिल करते हैं, इनसे इनकी मसरूफियात क्या हैं, क्योंकि मजदूरी के साथ साथ यहाँ पर उम्मत मुसलमा के लिए, उसके अलावा जितनी भी जर्नली यहाँ पर कम्युनिटी है, हमने देखा कि यहाँ इंडियन कम्युनिटी के काफ़ी लोग हैं जो वो तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ से अपने मुख्तलिफ अमराज के हवाले से मुस्तफ़िद होते हैं। सैयद अलमदार हुसैन शाह साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे डिटेल के साथ बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा शाह साहब, पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा रमज़ानुल मुबारक की। खैर मुबारक। अच्छा, और उसके बाद ये रौनकें हमेशा आपने बहाल की हुई होती हैं। पिछले रमज़ानुल मुबारक में भी हम आए थे, उस वक्त भी इसी किस्म की रौनकें थी, आज एक साल गुजरने के बाद भी माशाल्लाह उसी तरह की रौनकें लगी हुई हैं। अल्लाह का खास करम है आप पर, मैं चाहूँगा इस बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएँ। जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, रमज़ान शरीफ में 11वीं शरीफ का इत्माम किया, और हर माह में मैं 11वीं शरीफ का इत्माम करता हूँ और दम वगैरह भी करता हूँ जिन लोगों को दर्द हो। और पाकिस्तान जेलम का मैं रहने वाला हूँ, हमारी गद्दी है मेरे दादी साहबा सईदा हज़रत माई साहबा दरियाई, और मेरे वालद साहब सजादन शीन हैं पीर सैयद इमदाद हुसैन शाह, उनका बेटा हूँ मैं। तो इधर बस एक ड्यूटी लगी, वो कोई रोज़ी के लिए भी हम आए हैं इधर काम करने के लिए भी, और लोग फैज़ भी ले रहे हैं, बस उनकी दुआएँ हैं मेरे साथ और ये फैज़ जो है जारी है। अच्छा, दिन ब दिन हम आने वालों में, आपके चाहने वालों में इजाफा देख रहे हैं, हालांकि आपका जो ये एरिया है एथन से काफ़ी हटकर है, यहाँ आना कच्ची टूटी हुई सड़कें देखी हैं मैंने तो इतनी लोग दूर व मुश्किल ही आना होता है, लेकिन फिर भी आपके मुरीदैन यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये कैसे मुमकिन होता है? जिनको शफा मिलेगी और जिनको प्यार मिलेगा वो ज़रूर आएँगे,
जो लोग काफ़ी लोग दर्द से मुतासर लोग जो पुराने लोग भी हैं इधर कोई लोग पाकिस्तान चले गए और कोई नए लोग जो इधर आ रहे हैं मेरे पास जो ठीक होता है वो अगले दूसरों को बताता है और लोग मेरे पास आते हैं। बस ये सारा रब का करम है, अल्लाह पाक का करम है मेरे ऊपर और सब उसकी अता है और माँ बाप की दुआ है, माई साहबा की दुआ है, दादी साहबा की दुआ है और उनका फैज है सारा मेरे साथ। अच्छा, मुस्तफिद होने वाले शफा पाने वाले लोग हैं जो वो किन बीमारियों के लिए आपके पास यहाँ पर आते हैं? दर्द वगैरह, कोई गुर्दों का मसला, कोई दर्द वगैरह, कोई काले इलम के जो अमराज हैं जिनके ऊपर वो लोग आते हैं मेरे पास, दर्द वगैरह भी सारा कुछ। अच्छा, आप भी किसी किस्म का इलम इस्तेमाल करते हैं या कुरानी आयात या कुरान के नुस्खों के साथ इलाज करते हैं? मैं कुरान पाक की तलीमात का अमल करता हूँ जिसको नूरी अमल बोलते हैं कुरान पाक, और काले इलम को जो जिस पर काला इलम होता है उस पर कट करता हूँ नूरी अमल के साथ, कुरान पाक के अमल के साथ उसका असर ख़त्म करता हूँ। अच्छा, सिर्फ जायज़ काम करता हूँ, नाजायज़ काम नहीं करता हूँ। अच्छा, मजदूरी का मराहिल हैं जो वो भी काफ़ी मुश्किल होते हैं, कौन किस काम से वाबस्ता रहे हैं आप? मैं फैक्ट्री में काम करता रहा हूँ और काफ़ी काम जो है एलोय की फैक्ट्री में काम किए, सीमेंट की फैक्ट्री में काम किए और काफ़ी फैक्ट्री एरिया में ही काम करता रहा हूँ। अच्छा, इतनी सख्त मजदूरी के साथ साथ लोगों को इस किस्म की सहूलत देना काफ़ी जान जोखी का काम नहीं होता कि आप थके हारे घर आते हैं उसके बाद शफायाब होने के लिए लोग दम वगैरह करवाने के लिए रातों को भी आपको तंग करते होंगे, क्या सिलसिला चलता है ये? बस ये अल्लाह पाक का करम है, उसकी अता है सारी, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोग फैजयाब हो रहे हैं ये सारी उसकी अता है, मेरे में कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे में कुछ भी नहीं है, ये सारी मेरे रब की अता है, मालिक की अता है। अच्छा, हमने देखा है कि काफ़ी खवातीन भी यहाँ पर मौजूद थी और इंडियन कम्युनिटी के सिख बरदरी, हिंदू इज़्म के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, तो ये सब लोग शफायाब होते हैं? जी जी, इंशाल्लाह शफायाब हैं तो आए हैं मेरे पास, आते हैं लोग शफायाब। और इधर जो आप बता रहे हैं कि ये इलाका भी इस तरह सड़कें टूटी हुई हैं लेकिन सिर्फ फैजयाबी होती है तो कोई मेरे पास आता है, और हालात भी इधर बहुत ख़राब हैं लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी लोग इधर आए हुए हैं मेरे पास, ये सारा उस रब्बिल आलमीन का करम है मेरे ऊपर। अच्छा, इसके लिए मैं शाह साहब अभी थोड़ी सी फाइनेंशियली पोजीशन पे आना चाहूँगा, इसके लिए आपने कोई फ़ंड वगैरह रखे हुए हैं, कोई फ़ीस है, कोई क्या तरीकाकार चलता है? मेरा कोई फ़ंड नहीं है, जो भी मेरे पास आता है जो अपनी खुशी से कोई करता है ग्यारहवीं शिफ्ट के लिए, जो अपनी खुशी के लिए कोई दे जाए तो मैं ले लेता हूँ उनसे। अच्छा, अगर किसी ने कोई हिस्सा डालना होता है या कोई छोड़ के जाता है तो वो ग्यारहवीं शरीफ का ख़त्म, ग्यारहवीं शिफ्ट का ख़त्म शिफ्ट होता है, जो भी कोई आता है मेरे पास जो लंगर का हिस्सा देता है वो ग्यारहवीं शिफ्ट का सिलसिला हो जाता है उसके साथ, लंगर शरीफ होता है। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी दोस्त हमने देखे हैं जो दूसरे मकानों में भी रह रहे हैं, ये सब बरसरे रोज़गार हैं जितने भी दोस्त हैं आपके? तकरीबन कुछ काम लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ फ़र्क हैं, जो भी लोग आते हैं कुछ काम कर, अभी हालात इस तरह के हैं कि सारे लोग तो काम कर भी नहीं रहे, काफ़ी लोग बेरोज़गार हैं, काफ़ी लोग कुछ तादाद पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो ग्यारहवीं शिफ्ट का सिलसिला है ये कोई पता नहीं चलता है किस तरह हो जाता है, बस उनकी दुआओं के साथ ये सारा इंतज़ाम हो जाता है, ये तमाम हो जाता है। अच्छा, ख्रिसी अफगी ने एक जो दहशत फैलाई हुई थी और आपके एरिया में बहुत नज़दीक उनका एक बहुत बड़ा ऑफिस भी था, अभी उसके बारे में हालात को ठीक हुए हैं, ये लोग तसब या वो तशद्दुद तो नहीं करते? अल्लाह पाक का करम है कि इस हमारे इलाके में अभी तक तो कोई हादसा नहीं हुआ है और अल्लाह करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो इधर ख्रिसी अफगी का, अभी तक तो इधर सुकून है और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। अच्छा, नज़दीकी एरिया जो है वो टोटल फैक्ट्री एरिया है, बहुत बड़े बड़े कारखाने भी हमने देखे हैं, रोज़गार की क्या पोजीशन चल रही है? रोज़गार नहीं है इधर, बहुत कम है रोज़गार, फैक्ट्री एरिया काफ़ी है लेकिन फैक्ट्री एरिया बंद है सारा, कुछ काम लगे हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ खुली हैं, कुछ नहीं खुली, इसलिए थोड़े लोग जो हैं काम कर रहे हैं, थोड़े नहीं कर रहे। अच्छा, रमज़ान का माह मुबारक है, इसमें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आपको जो इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद पूरे यूरोप भर में, यूके में आपको देख रही है, ईद भी आने वाली है, तो मैं चाहूँगा कुछ पैगाम आप शेयर करें। मैं सब दोस्तों को और बुज़ुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूँ रमज़ान शरीफ की और सलाम पेश करता हूँ, और सिर्फ ये बात कहता हूँ कि ये साल बाद
तीस दिन आते हैं रमज़ान शरीफ के, और मेहरबानी करके बाबरकत वाला महीना है, सब लोग कोशिश करके रोज़ा रखा करें और नमाज तरावी पढ़ा करें और पानीगाना नमाज अदा किया करें, क्योंकि ये एक साल बाद ये महीना आता है और कोशिश करें कि इस रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखा करें। यह मेरा पैगाम है सब लोगों को। तरावी और ज़िक्र अज़कार और नमाज के लिए आपके पास यहाँ पर इंतज़ाम हैं? नहीं, मस्जिद में, अशपोपुर को मस्जिद में, हम भी उधर कभी जाते हैं, कभी घर में पढ़ लेते हैं। अच्छा। कभी कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी कभी घर में पढ़ लेते हैं। ठीक जी। शाह साहब बेहद शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मेहरबानी, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, मेहरबानी। ले नाज़रीन, बड़ी तफसील के साथ हमारी सैयद अलमदार हुसैन शाह साहब के साथ गुफ्तगू हुई और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया कि इनका जो सिलसिला है जहलम में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, ख़ानदानी तरबियत है इनको और फैज़याब हुए ये अपनी दादी जान की तरफ से, इनको स्पेशली वो अमल, वो पावर मिली जिसकी वजह से ये यूरोप जैसे मुल्क यूनान में आकर अपनी मेहनत मजदूरी के साथ साथ नूरी इलम के साथ कुरानी अलूम के साथ लोगों को शफायाब करने के लिए लगे हुए हैं, इंसानी खिदमत करने में लगे हुए हैं। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह इनको और इनके इलम में इजाफा फरमाए। अस्पर्पगिर को से इब्राहिम फैज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।